अमृत वाणी आपका हार्दिक स्वागत करती है। डिजिटल डिटॉक्स, ये जो सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि जो चीज़ें हैं उनका अवांछनीय और अति अवांछनीय प्रयोग करने से भी आवश्यक तो मान लें, आवश्यक काम तो किशोरों को भी करना हो सकता है, तो जो अनावश्यक है, अवांछनीय है, अहितकर है, इतना उपयोग इन यंत्रों का न हो तो डिजिटल डिटॉक्स, ये जो एक संयम इन उपकरणों का, वो भी कभी रात को 11 बज गए हैं, केवल गेम्स और इसमें लगा हुआ है, नींद कब तो नींद लेगा और कब वापिस सुबह उठेगा, देरी से सोएगा फिर देरी से उठेगा, ऐसा भी हो सकता, देरी से सोना देरी से उठना, और कहा गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कि जल्दी सोना जल्दी, तो खैर जल्दी एक बहुत ज़्यादा देरी करेंगे तो फिर सूर्योदय के बाद में उठना होता है, मान लो 8 बज गए 8:15 बज गए अब उठना हो रहा है, तो देरी से सोने का परिणाम यह आ सकता है, उठना भी देरी से हो सकता है, सूर्य उदय हो गया उसके बाद उठना, वरना आदमी सूर्य उदय होने से पहले पहले निद्रा मुक्त हो जाए, यह एक बाकी तो आदमी की परिस्थितियाँ है, किसको किस परिस्थिति में जीना पड़ सकता है, पर सामान्यतया सुबह का समय ये 5-6 बजे का अमृत वेला कह दें, ब्रह्म वेला कह दें, उसमें आदमी निद्रा मुक्त हो जाए और कुछ जप करे, सामायिक करे, अच्छा अपना पाठ करे, धार्मिक उच्चारण पाठ करे, एक सुबह उठते ही अच्छी एक मानसिकता बन जाए, तो किशोरों में नवकार मंत्र जप का एक संकल्प रहना चाहिए कि रोज सुबह नवकार मंत्र यथासंभवतया कम से कम 21 बार तो हो ही जाए, तो ऐसा एक क्रम, जीवन शैली ऐसी बने, हमारी लाइफ जीवन की शैली बढ़िया हो, किशोर जीवन से बढ़िया जीवन शैली हो जाए, कि एक तो आदमी उठा और उठते ही बस फोन में और मेरे इसमें लग गया, बाकी तो परिस्थिति बस कुछ भी काम करना पड़े, पर सामान्यतया अभी उठे हैं तो अभी तो भगवान का नाम लो, धर्म का नाम लो, नवकार पठ करो, और कोई आचार्यों का और का भिक्षु स्वामी का आदि का स्मरण करें, तो सुबह का प्रारंभ, दिन का प्रारंभ नवकार मंत्र आदि, शारीरिक थोड़ा काम करना वो अलग बात है, बाकी धर्म के काम के साथ दिन का प्रारंभ हो,